हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज। आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन रिलेटेड आर्टिकल्स, तो आप गेस करते जाओ और खटाखट बताते जाओ। तो पहला जो है 324, दिस टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है सीईसी, इसको हम ऐसे देखते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट, ठीक है, और उसका रिमूवल, दोनों जो है इसी आर्टिकल के तहत डील होता है। रिमूवल होता है क्लॉज 5 के जरिए, ठीक है, रिमूवल वाला क्लॉज 5, 324 क्लॉज 5 के जरिए होता है रिमूवल वाला, ठीक है, और 1 के जरिए होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है। 325 क्या है, दिस इज अबाउट यूनिवर्सल सफरेज, मतलब हर किसी को मताधिकार का जो है ऑप्शन रहेगा, यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं इसको, ओके। देन ये क्या है, दिस इज अबाउट एडल्ट सफरेज और एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज एडल्ट सफरेज, दिस सिंपली मींस कि जो भी 18 साल या उससे ज्यादा होगा वो इलेक्शन में वोट दे सकता है, राइट। देन 327 का एंड 328, ये दोनों क्या है, दिस इज रिलेटेड विद पार्लियामेंट एंड दिस इज रिलेटेड विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जो इलेक्शन रिलेटेड लॉज हैं ये दोनों जो है इस आर्टिकल के तहत बना सकते हैं, राइट। 243 के क्या है, पंचायत में इलेक्शंस, राइट, कहां पे, जो पंचायत बॉडीज होती हैं उसमें इलेक्शन इस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। और ZA क्या है, 243 ZA म्यूनिसिपैलिटीज, ओके, जब आप लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे उसके अंदर ये आर्टिकल मिलेगा आपको। तो म्यूनिसिपैलिटीज में जो इलेक्शन होते हैं वो किसके अंडर होते हैं, इस आर्टिकल के तहत करवाते हैं, ठीक है। पार्ट 15 क्या है, दिस इज जनरली संविधान का वो भाग, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी डील विद इलेक्शंस, दैट इज पार्ट 15। ये 323B का एफ, क्लॉज एफ, ठीक है, आर्टिकल 320, ये एक्चुअली ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर है जो हमारा, ट्रिब्यूनल, एंड दिस इज पार्ट 14A, ये याद रखना, दिस इज पार्ट 14A डील्स विद ट्रिब्यूनल। और 323B, दिस आर्टिकल दिस डील्स विद इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन डिस्प्यूट, तो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, तो इसके लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल बनेगा तो आर्टिकल 223B का क्लॉज एफ के अंडर में बनेगा, ओके। एंड 82 आर्टिकल 82 एंड 170, दिस डील्स विद डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके, उसमें कितनी सीट्स होंगी किस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है 82 डील्स विद लोकसभा एंड 170 डील्स विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Then Article 329, this says that the courts are prohibited to interfere. Courts cannot interfere in election related disputes. Courts can't interfere. Simply just remember this, court can't interfere. Okay.